हेलो एंड वेलकम बैक टू यूडेमोनियाज मेस्टर्स। मैं निकी आपकी दोस्त आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और ये समझती हूँ कि आप सब खुश है और खैरियत से है। पूंडी से तो हम निकल चुके हैं भाई, अभी देखिए कुछ आगे के नज़ारे, वो भी काफ़ी सुंदर है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, तो जुड़े रहिए हमसे। और एक बात बताना चाहती हूँ, जो हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो ऑलरेडी जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए अ वेरी बिग थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव। पूंडी से ना हम निकलना ही नहीं चाहते थे इतने जल्दी, और आगे जाके एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास टाइम का इश्यू था क्योंकि हमें जल्द से जल्द वापस अपने होटल के एरिया में आना है और नेटवर्क को ढूंढना है फिर से, ताकि हम कांटेक्ट कर पाए घर वालों को। मॉर्निंग से उन्हें कॉल नहीं किया है तो वो ज़रूर टेंशन में होंगे, तो इसी कारण हमें जल्दी से जल्दी निकलना पड़ा। इसी कारण हमें मन्नावन्नूर लेक के पास वाला रीजन भी देखने का टाइम नहीं मिला है। फिलहाल हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ एंड बहुत टाइम लगने वाला है ऑलरेडी, क्योंकि 1.5 आवर के ऊपर तो लगेगा ही हमको। साथ ही में ये ब्यूटीफुल नज़ारे जो है वो तो हमें फोर्स कर ही रहे हैं कि रिकॉर्ड कर लो भाई, कर लो। इतना ग्रीनरी है, इतना पीसफुल है ना यहाँ का एनवायरनमेंट कि पूछो ही मत। और पूंडी विलेज, अगर आपने हमारा पूंडी का व्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाके देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा पूंडी विलेज क्या है, कैसा है और भी कितना सुंदर हो सकता है पूंडी विलेज। देखिए कोडैकनाल में जो है ढेर सारे आपको टूरिस्ट अट्रैक्शंस मिलेंगे देखने के लिए, वो भी अच्छे ही है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ज़्यादातर सबको पता है उसके बारे में, तो भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी पूंडी को ही देख लीजिए, अभी पूंडी के बारे में जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे वहाँ पर भीड़ जो है बढ़ते जा रही है। इट्स एक्चुअली गुड कि टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन क्या होता है कि बहुत ही थॉटलेसली मैं हर वीडियो पे रिपीटेडली बोल रही हूँ, ये सिर्फ पूंडी की ही बात नहीं है, हर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की, हर एक जगह की बात है कि लोग जो है कुछ लोग बहुत ही केयरलेसली प्लास्टिक वेस्ट वगैरह जो भी है फेंक देते हैं यहाँ वहाँ। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के रूल्स जो है स्ट्रिक्ट नहीं है। अभी इसका कौन जिम्मेदारी लेगा, गवर्नमेंट लेगा, हमें तो खुद लेनी चाहिए जिम्मेदारी कि हमें नहीं करना है ऐसा, लेकिन जब ऐसा नहीं कर रहे हम तभी कौन जिम्मेदारी लेगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता लेकिन संवारने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो जो नेचुरल जो ब्यूटी है ना इस प्लेस की या जो भी टूरिस्ट प्लेस है, जो भी ब्यूटीफुल प्लेसेस है, उन्हें ना बिगाड़ना नहीं चाहिए। हम थोड़ा जल्दी में हैं लेकिन फिर भी एक सीनिक लैंडस्केप दिख गया ड्राइविंग करते करते, और हमने सोच लिया कि क्यों ना हम रुका है। अभी जिस विलेज से आए ना वही विलेज दूर से दिख रहा है शायद हमें, एंड देखिए ना कितना प्यारा है ना ये लैंडस्केप। एक्चुअल में जो है ये सारा जो है फॉरेस्ट एरिया हुआ करता होगा, एंड देन फिर सेटलमेंट्स वगैरह आने की वजह से फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं और सेटलमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक चाय ब्रेक लेने की सोच ली तो देखा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, तो लेट्स सी, चढ़ के देखते हैं कैसा है ये व्यू पॉइंट। कम ऑन, ओए यहाँ पे तो एक छोटू सो रहा है, एकदम डीप स्लीप है शायद से। वाह क्या नज़ारा है, अरे यार रैंडमली रुका दिया था यहाँ पे और ये देखने को मिल गया भाई, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। मूवीज में वगैरह आर्टिफिशियल धुआं बनाते हैं ना, ये नेचुरल है एकदम। कितना प्यारा है, नीचे ना कोई वैली है, सेटलमेंट्स वगैरह है शायद से, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना थिक क्लाउड है, क्लाउड या फॉग जो भी बोलो। यहाँ पे ना बहुत ठंड भी लग रही है, और साथ ही में ये सामने वाला जो नज़ारा देखो आप, कितना मेस्मराइजिंग है। थोड़े राइट की तरफ ना दो तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे टूरिस्ट के लिए ना ऐसे रूम्स बनाए जा रहे हैं। जब आप ऐसे रैंडम चीज़ें डिस्कवर करते हो ना आपके ट्रैवलिंग के दौरान, तो सच्ची में बहुत खुशी होती है, राइट? तो सिर्फ ऐसे टूरिस्ट ट्रैवल मत कीजिएगा, ऑब्जर्व करते रहिएगा, अपनी आँखें खुले रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे नज़ारे ऐसे हैं ना जो लिस्ट में कभी भी नहीं होते, वो सिर्फ आपको ढूंढने से ही मिलते हैं। ये तो हमें ऐसे ही दिख गया क्योंकि हम भी ऐसा ज़्यादा ऑब्जर्व करते ही रहते हैं सीनरीज को या फिर अच्छे लैंडस्केप को। हाँ।
ऊपर का व्यू एंजॉय करने के बाद ये आप सोच रहे होंगे ये क्या ये लड़की जंगल जंगल दिखा रही है। तो वो आंटी जी थी वहाँ पे जिन्होंने हमें चाय दिया था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा नीचे की तरफ जाओ और वहाँ से भी मस्त व्यू मिलेगा आपको। तो ये बोला तो हम निकल पड़े बस। एंड थोड़ा सा स्लिपरी है, बारिश होने की वजह से थोड़ा स्टीप है, तो इसके वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी नीचे उतरने में। तो ये वही के नज़ारे हैं, हम चल के जा रहे हैं उस तरफ जिस तरफ आंटी ने बोला था। तो लेट्स सी आगे क्या है कैसा है। चलते चलते ना यहाँ पे भी ढेर सारा प्लास्टिक दिख रहा है यहाँ वहाँ पड़ा हुआ, तो यही मैं बोल रही थी, अभी बार बार रिपीट करके बोर नहीं करूँगी आपको। ठीक है, देखते हैं आगे, चलते जा रहे हैं। ये रास्ते में ना येलो कलर्स के बहुत फ्लावर्स दिख रहे हैं, किसी को उसका नाम पता है तो ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा, बहुत प्यारे हैं ना ये। तो भाई ट्रैकिंग जैसा हो गया हमारे लिए, छोटा सा ट्रैकिंग। कोडेकिनाल में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है डॉल्फिन नोस, अगर आपको पता है, तो वहाँ पे भी ऐसे ट्रैक करके ही जाना पड़ता है। लेकिन वो वाला जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल भरा रास्ता है ऐसा सुना है मैंने। ये है जो ये थोड़ा कंफर्टेबल है, ये इतना इश्यू नहीं है। आई थिंक ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग यहाँ पे ये रोड, एंड इसके लिए वो वॉकिंग ट्रेल्स जो है ना वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी तो ये पूरा नैरो लेन आ चुका है और लेफ्ट साइड में जो फेंस है ना शायद वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, तो बहुत ही संभल के आगे बढ़ना होगा वरना शॉक भी लग सकता है। और लेफ्ट साइड का नज़ारा देखिए, पूरा फॉग से ढका हुआ है तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये छोटा सा एक एडवेंचर हो सकता है हमारे लिए। ये देखिए नीचे ना पूरा खाई जैसा लग रहा है और ये पूरा फॉग से ढका हुआ है ये प्लेस, है ना ब्यूटीफुल। आई थिंक हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, अभी और बस थोड़ा ही चलना बाकी है। चलते चलते हम आ चुके हैं यहाँ पे और इस मिनी डोर से हम अब एंटर कर रहे हैं अंदर की तरफ। एंड एंटर करते ही राइट साइड में देखिए एक सॉइल को जो है प्लो करके रखा हुआ है, सीड को सो करने से पहले जो करते हैं वो स्टेप, एंड इट्स कम्प्लीटली मेस्मराइजिंग। ये कोहरे से ढका हुआ प्लेस जो है बहुत ही मैजिकल लग रहा है, एंड ठंडी हवा ना ऐसे फेस पे आ रही है तो और बढ़िया मज़ा आ रहा है। सची में यहाँ पे रुकाना ना, इस प्लेस पे रुकाना सच में वर्थ इट हो गया। हम तो सिर्फ एक चाय पी के जल्दी जल्दी निकलने वाले थे, लेकिन चाय के साथ साथ मज़ेदार एक व्यू पॉइंट भी एंजॉय कर लिया और साथ ही में एक छोटा सा एडवेंचर भी ट्राई करने को मिला। आंटी जी, लाइक थैंक्स टू आंटी जी। हाँ, चाय भी जो है बढ़िया थी। इस प्लेस का नाम मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन एनीवेज इट्स नाइस। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। वाओ, इट्स रियली वंडरफुल, दिल को एकदम ठंडक पड़ गई। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही पीसफुल है यहाँ पे। आई थिंक इसी पॉइंट तक है ये प्लेस। नीचे पूरा खाई जैसा कुछ है, फॉग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे फार्मिंग वगैरह होती है, एंड साथ ही में कुछ छोटे मोटे हट्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं आसपास। इट्स रियली ब्यूटीफुल यार, सच्ची में वंडरफुल एक्सपीरियंस। आंटी जी हमें ना दमोह में इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यहाँ पे कुछ ही महीनों में मतलब रिजॉर्ट वगैरह आ जाएगा, तभी आप जरूर आना स्टे करने के लिए वगैरह बोल रही थी। अच्छी आंटी है, बढ़िया है। अभी आपने एक दुकान देखा ना, वहाँ पे वो मैगी वगैरह बना के चाय वगैरह बना के बेचती है आंटी जी। एंड ये वो पूरा रोड साइड है, बहुत ही क्यूट से पप्स दिखे मुझे यहाँ पे, दोनों का फाइटिंग चालू है, शायद टग ऑफ वॉर खेल रहे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर नहीं किया है। एंड सेफ रहिए, खुश रहिए। तो बेनिकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूडिमोनियाज मेस्टर्स, बाय बाय।